हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू. ओके, सो लेट्स बिगिन. आर फर्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और इंक्रीजिंग अ लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे. अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको एसेट्स भी खरीदने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल मशीनरी है, ओके, बिल्डिंग है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप परचेस करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा. वो आपके खर्चे हैं. वो क्या हैं? आपके एक्सपेंडिचर. इट मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीट ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर. अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने मशीनरी परचेज करी, तो उस मशीनरी से जब आप प्रोडक्शन करोगे, उसको बेचोगे, उस गुड्स को आपको फ़ायदा होगा, तो इन फ्यूचर उस बेनिफिट को लेने के लिए हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं. ओके, एक्सपेंडिचर इज़ क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज. एक्सपेंडिचर को इन्होंने टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो खर्चे जिनको करने से आपके एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. आपने पैसा खर्च करा बिल्डिंग को परचेज करने में, या फिर इसको ठीक कराने में, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट रहेगा वो काफ़ी लंबे समय तक का रहेगा. तो जो खर्चे करने से आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक का मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हैज़ रिटन इन एसेट्स. और इसको हम किस में लिखेंगे? एसेट्स में. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड. मतलब आपको सिर्फ एक साल का ही उसका बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं है कि आपको मोर देन वन ईयर उसका बेनिफिट मिल ही रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज की थी, तो मशीनरी आपका ये नहीं कि सिर्फ एक साल ही चलेगी, वो काफ़ी टाइम तक चलती है, तो उसका बेनिफिट आपको काफ़ी टाइम तक रहता है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हम करते हैं उसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक साल तक के लिए ही मिलता है, फिर उससे कम टाइम तक के लिए आप बोल सकते हैं. तो ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स. डेटर्स क्या होते हैं? द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपसे किसी ने परचेज करा कोई सामान और उसने आपसे उधारी पे वो सामान लिया, मीन्स क्रेडिट पे आपसे वो सामान लिया, उसने आपको पैसा पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? आपके डेटर्स होंगे. वो इन फ्यूचर आपको पेमेंट जब कर देंगे, जब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपके डेटर्स ही रहेंगे. मतलब एक टाइप से आपने उनको क्रेडिट पे सामान बेचा है. नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स. दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम. अब हमने जिनको पेमेंट नहीं करा है, हमने किसी से उधारी पे सामान खरीदा है, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो वो कौन हुए? हम उनके कौन हुए? क्रेडिटर्स, ठीक है, हमें उनको पेमेंट करना होगा, मतलब वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज गुड्स. गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोक्योरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीन्ड टू बी सोल्ड. गुड्स वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको आप परचेज करते हो रीसेल पर्पज़ के लिए, ठीक है, मतलब दोबारा से बेचने के लिए, या फिर आप उनको परचेज कर रहे हो लाइक अ रॉ मटेरियल ताकि आप उससे फिनिश्ड गुड बना सको. फॉर फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म्ड एज गुड्स. आप कोई फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसने चेयर परचेज करी, उसने टेबल परचेज करी, तो वो उसके लिए गुड्स होंगे. वाइल फॉर अदर्स इट इज़ अ फर्नीचर एंड इज टर्म एज इन एसेट्स. आप अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीद रहे हो तो आप कोई रीसेल पर्पज से तो खरीद नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए एसेट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए वो गुड्स नहीं होगा. गुड्स किसके लिए होगा? जो उसको रीसेल पर्पज से खरीद रहा होगा. नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट. कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड
as the amount of resource given up in exchange of some goods or services. आप cost उसको बोलेंगे, आपने कुछ raw material purchase करा, ठीक है, तो वो आपके लिए cost है. आप कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए कुछ payment कर रहे हो, तो वो आपके लिए cost है. ठीक है, मतलब कुछ सामान खरीदना उसके एक्सचेंज में जो आप प्राइस पे कर रहे हो. गेन क्या होता है? गेन मीन्स प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज स्टॉक. स्टॉक और आप इन्वेंट्री बोल सकते हो. द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. स्टॉक वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास LED TV के 50 सेट्स हैं. 50 सेट्स में से 20 सेट्स जो है बिक गए, 30 सेट्स रखे हुए हैं, तो वो आपका स्टॉक में कहलाएगा. ठीक है, आपके पास इतना स्टॉक है. वो तो टू टाइप्स के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वेयर इज द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है अपना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया. अब जो नया सेशन शुरू हुआ वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारे पास स्टॉक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 31 मार्च 2020 तक 50 LED में से 30 LED बिक चुके थे, तो 20 LED जो हैं वो ओपनिंग स्टॉक में आ जाएंगे 1 अप्रैल 2020 में. ठीक है, तो यह हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? वो 2019 वाला होगा, मतलब सॉरी 2020 31 मार्च 2020 वाला होगा, कि आपके पास साल के एंड में कितना बचा हुआ है. ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ. Thanks for watching. Thank you.